मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र का गांव है मोहम्मदपुर राय सिंह। मोहम्मदपुर राय सिंह गांव में मतदाता भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान के खिलाफ है। उनका कहना है कि यहां भाजपा ने कोई कार्य नहीं किया और ना ही यहां भाजपा का कोई नेता आता है। इस बार हरेंद्र मलिक को वोट देकर जिताएंगे। आज इस गाँव में रॉयल बुलेटिन की टीम ने सर्वे किया और मतदाताओं की राय जानी। आइए जानते हैं क्या है इस गाँव में मतदाताओं की पसंद, किसे वोट करेंगे मतदाता। क्या नाम है जी आपका? मथन सिंह है जी। कौन से गांव के हो? मोहम्मदपुर राय सिंह के है। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है 2024 का। हाँ जी। तो कैसे देख रहे हैं चुनाव को आपके? चुनाव भी ठीक चल रहा है। आपने क्या होगा गांव में? गांव में वोट मिलेंगे जी। किसे? हरेंद्र मलिक को। क्यों? अजी विरोध है इसका, काम नहीं कर रहा है। संजीव बालियान कुछ भी यहाँ। अच्छा, क्या काम नहीं करे? हाँ जी, क्या काम नहीं करे? कुछ नहीं करे जी, न बच्चों के बारे में सच्चे कुछ, ना किसान के बारे में सच्चा। अच्छा, भर्तियाँ तो निकली, बहुत अग्निवीर भर्ती आया मुजफ्फरनगर से हुई, उसमें कुछ कुछ नहीं, उसमें तो सही है मामला सर। 4 साल में ब्याह नहीं करते जा चुके लिखवा में ले लिया कागज पर। नाराजगी है? नाराजगी है जी। तो अब की बार क्या होगा? अब की बार सभा सरकार आओगी। जी आपका? कोमबिरी जी। कौन से गाँव के हो? मोहम्मदपुर राय सिंह। अच्छा, जैसे लोकसभा का चुनाव है अम्मा? हरिंदर के साथ। क्यों? वो हमारा बेटा है। वो भी तो है, संजीव बालियान बेटा नहीं है ना? वो दूसरी खाप का है। अच्छा, ये हमारा है। क्या काम करे? कुछ काम वाम भी करे नहीं? काम बढ़िया करे, दौड़ता ही करता आ रहा। उदन तो हम इस गाँव में आ रहे, हरिंदर की जा बोल रहे और बोलते रहेंगे इतने जीवेंगे। क्यों ऐसा क्यों? क्या हमें बढ़िया लगे? हमारे लौंडा है, हमारे जाक्त का भाई है। अच्छा, गाँव में भी घूमे नहीं? खूब। और बालियान जी घूमे गाँव में ना? शादी में भी आठ आए भी लड़के की पिछले महीने। कौन? हरेंद्र मलिक। अच्छा, तो हरेंद्र मलिक पसंद है यहाँ गाँव में? हाँ पसंद है हमें सबको। पूरे जी आपका? विपुल। अच्छा, कौन से गाँव के रहने वाले विपुल? मोहम्मदपुर राय सिंह। अच्छा, युवा हो आप जी, तो लोकसभा का चुनाव है 2024 का, तो कैसे देख रहे चुनाव को आपके? हरेंद्र मलिक को वोट जाएगी। क्यों? क्योंकि संजीव बालियान ने काम नहीं करा, यहाँ पे नौकरी दिलाई किसी को तो नौकरी। जो अग्निवीर निकली थी, अग्निवीर जो भर्ती है वो तो मिली लोग बहु? अग्निवीर तो 4 साल के लिए निकली है, इससे क्या फायदा है फिर? नुकसान है। हाँ, तो सरकार में फायदे हुए नुकसान हुए? नुकसान हुए। क्या नुकसान है? आवाज में पशु ने सारी फसल नष्ट कर दी। अच्छा, छह बीघे गेहूँ बहने पड़ गए हमें तो जी। अच्छा। हाँ जी, तो नाराजगी है? हाँ जी। तो आप क्या करोगे? बस अरविंदा मलिक को वोट देंगे। निरंजन सिंह कश्यप। कौन से गांव के रहने वाले? मोहम्मदपुर के। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है 2024 का। हाँ। तो गांव में कैसे देख रहे कश्यप समाज आपके? यहाँ से जो है संजीव बालियान की भी और हरेंद्र मलिक की भी, हरेंद्र मलिक की ज्यादा है, संजीव बालियान की कम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि संजीव बालियान दो योजना था देख लिया, और जो हरेंद्र मलिक हमारा पुराना नेता है उसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। अच्छा, तो उसका लड़का भी विधायक है। अच्छा, सरकार में कुछ फायदे हुए नहीं हुए? सरकार में फायदे तो सबको ही हो रहे, नहीं तो महंगाई का जमाना है, गरीब आदमी मार लिए। अच्छा, महंगाई ज्यादा है? महंगाई ज्यादा है। तो महंगाई कौन दूर करेगा आपके? महंगाई तो कोई नहीं दूर करता भाई। तो क्या सब सही है? क्या मूड कर रखा आपके? मूड क्या है? मूड है बस वोट देंगे, वोट दे देंगे हरेंद्र मलिक को देंगे। बाबूजी आपका? मेरा नाम रविंदर है। अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले? मोहम्मदपुर राय जी। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है 2024 का, जाट समाज ज्यादा है इस गांव में, तो क्या मान कर चल रहे आपके? हम तो लगभग 50% से ऊपर मान रहे। किसे? नरेंद्र मोदी। ऐसा क्या कारण बना? ऐसा कारण जो है कि हमारा स्थानीय नेता है, काम करने वाला नेता है। अच्छा, बड़ा अच्छा है, हर आदमी को सम्मान दे, धमकाता नहीं, कुछ लोग धमका में। कितने नेता हमारे समाज के ऐसे नेता हैं जो रोक भी दें, काम तो करना ही नहीं, और ये विकास पुत्र है। अच्छा जी, बालियान को 10 साल हो गए सांसद बने हुए को, गांव में कोई विकास कार्य वगैरह कुछ हुआ? देखो, छोट मोट कोई कार्य करा भी होगा, हमारे तो नजरों में है नहीं, लेकिन मेन बात यह है हरेंद्र मलिक तो आज अगर हम ढंग से पानी भी पी रहे वो मलिक साहब भी दे रहे हैं, और जब 30 साल पहले या 40 साल पहले टंकी लगवा के चला गया था, अगर इस गांव को सब पता लगा क्या सांसद की निधि या विधायक की निधि क्या हो, वो एक हरेंद्र मलिक था जिससे हमें ये जानकारी हुई, हमने ये पता कर लिया हाँ विधायक को भी कुछ मिलता है।
इससे पहले ना पहले पता था और बाद में योगराज जी कुछ करके ना बाद में पता लगा विधायक के विधायक एमपी कोई नहीं रिव्यू। जय चौधरी बीजेपी में गए हैं, किसान है, आप भी कोई फायदा वायदा होगा या नुकसान ही होगा? भाई वो तो उनका देखो भाजपा साहब अभी तो किसी को फायदा है नहीं और शायद आगे भी ना, मुझे तो उम्मीद ऐसी है फायदा तो हो नहीं। बच्चे ऐसे ऐसे लड़के जो बेरोजगार हैं, 55,000 की नौकरी हम जितनी हम पहले बिहार से नौकर आ रहे थे किसान के यहाँ, इतनी नौकरी पर ये काम कर रहे कहाँ पूर्ति हो रही। तो नाराजगी है किस? नाराजगी तो दुश्मनी तो भारी कुछ है नहीं, लेकिन एक मेरे आदमी क्या है, आम आदमी का आदमी क्या है, वोट वोट से ही वो अपना जवाब देगा। तब का जवाब देंगे? हाँ वोट से जवाब देंगे। भाई जी आपका? अमरपाल जी। अच्छा कौन से गांव के रहने वाले? मोहनपुर राय सिंह। अच्छा जाट समाज से हो? हाँ जी। अच्छा जाट समाज ज़्यादा है इस गांव में जी। तो क्या हिसाब बनना लोकसभा चुनाव में 2024 में? हाँ इस गांव का जी। हाँ इस गांव का हरिंदर मलिक ज़्यादा है जी, आधे से ज़्यादा है। ऐसा क्या कारण बना? बस जी इसका विरोध है संदीप बालियान। किस बात का विरोध है? बस जी कुछ वैसे ही है नहीं, हरिंदर का ही ज़्यादा है जी। अच्छा 5-10 साल हो गए इन्हें सांसद बने को। हाँ, गांव में कोई विकास कार्य कुछ हुआ, घूमे फिरे? कुछ नहीं जी, बस विकास नहीं। तो अब की बार हरिंदर मलिक? हरिंदर मलिक है जी। नाम है जी आपका? सतबीर है जी। अच्छा कौन से गांव के रहने वाले? मोहम्मदपुर राय सिंह। कसर समाज से हो जी। अच्छा लोकसभा का चुनाव है तो उसे कैसे देख रहे चुनाव को? बस देखा तो सबकी गहली कौन सी बात है, उसे देगा हरिंदर को क्यों? हाँ क्या करा रहे हैं? दबाव है हरिंदर का हमारे पे कुछ। अभी तो मोदी कह रहे थे आप? बस हरिंदर को देंगे, मोदी को नहीं देखते। सरकार में कोई काम वाम हुए नहीं हुए? आज भी कुछ करता है काम। कौन? वो बता पिछला बता के रखा है कहीं काम में बाहर। अच्छा हाँ। तो हरिंदर मलिक ने क्या करा? हरिंदर भी करेगा आगे चल कर करेगा, भी नहीं करा देखा है हरिंदर को भी देख लेना हरिंदर। क्या नाम है जी आपका? मथन सिंह है जी। कौन से गाँव के हो? मोहनपुर राय सिंह के। अच्छा लोकसभा का चुनाव है 2024 का। हाँ जी। तो कैसे देख रहे चुनाव को आपके? चुनाव भी ठीक चल रहा है। आपके क्या होगा गांव में? गांव में वोट मिलेगा जी। किसे? हरिंदर मलिक को। क्यों? अभी विरोध है इसका, काम नहीं कर रहा जी, संजीव बालियान कुछ भी। हाँ अच्छा क्या काम नहीं करे? हाँ जी क्या काम नहीं करे? कुछ भी करे जी, ना बच्चों के बारे में सच्चे कुछ, ना किसान के बारे में सच्चा। अच्छा भर्तियाँ तो निकली बहुत, अग्निवीर भर्तियाँ है मुजफ्फरनगर से हुई, उसमें कुछ नाराजगी है? नाराजगी है। क्या होगा? भैया आपका? रविंदर जी। कौन से गाँव के हो? मोहम्मदपुर राय सिंह। कैसे समाज से हो? हाँ जी। अच्छा लोकसभा का चुनाव है 2024 का, तो कैसे देख रहे चुनाव को? देख तो जी वो सबके तरीके से रहे, पर जो मतलब पहले सरकार चल रही बहुत बढ़िया चल रही, मोदी जी ने बहुत अच्छा कर रखा, चाहे खुले कोर्ट हो। अच्छा हाँ गुंडा फसाद बिल्कुल खत्म है। अच्छा तो अब की बार क्या करोगे? जी मोदी जी को जाओगे वोट तो, कैंडिडेट कोई भी हो। अच्छा। बालियान जी ने काम करे 10 साल में जी। हरिंदर मलिक भी है मैदान में? हाँ जी कोई और नेता बढ़िया है, पहले से पुराने नेता है बढ़िया है, हम किसी खराब खराब नहीं बताते, बस मोदी जी को दे रहे हैं। हाँ जी हम तो वोट मोदी जी को देंगे। नाम है जी आपका? शिवराज सिंह। अच्छा कौन से गाँव के रहने वाले? मोहम्मदपुर राय सिंह। अच्छा जाट समाज से हो? हाँ जाट। अच्छा लोकसभा का चुनाव है 2024 का। हाँ तो गांव में क्या नजारा है आपके? गांव में हमारे यहाँ हरिंदर मलिक को वोट जाएगी। क्यों? इनके काम के संजीव बालियान से वैसे परेशान है सर। क्यों परेशान है, क्या कारण बना है सर? ये देख लो पहले हमारे यहाँ प्रमुख साहब थे, उन्होंने मुकदमा लड़का अपना काम चालू करा 2-2.5 साल में। अच्छा नहीं तो काम भी बंद करवा रखा था सारा ही, विकास कार्य सारे बंद करा रखे, सारे काम सारे बंद थे अब चालू हुए। अच्छा। मुकदमा लड़ने के बाद में। अच्छा तो नाराजगी है? नाराजगी है जी। तो आपके गांव का क्या हिसाब रहेगा? गांव का ऐसा रहेगा 3 डेयरी हरिंदर मलिक का और 1 डेयरी बीजेपी का, यहाँ 2-4 लोग बीजेपी के भी हैं। बाबा कौन से गाँव के हो? कसर समाज से हो? अच्छा लोकसभा का चुनाव है 2024 का, तो चुनाव को कैसे देख रहे हैं सर? क्या करोगे? वोट दे तो किसका कर रहे हैं आपके? किसको कर रहे कैसा समाज? तो वोट तो आप ही दोगे, किसे सोच रखा आपके? नहीं किसे सोच रखा?
मैं तो अपनी तो बता सकूंगा। बताओ तो कौन है? हरिंदर। क्यों जी, क्या नाम है आपका? विजेंदर। अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले? मोमनपुर। अच्छा, जाट समाज से हो। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है 2024 का, तो इस बार क्या देख रहे हैं गांव में? क्या होगा? साइकिल का जो है। क्यों? ये काम करने वाला। अच्छा, संजीव बालियान जी ने काम नहीं करे कुछ? नहीं, यार लोग हमने देखे अभी। गांव में 10 साल हो गए, 10 साल के सांसद हैं वे। 10 साल में कोई गांव में काम हुआ हो, विकास कार्य हुआ हो? ना, हमने वो देखा, विकास की तो बात दूसरी। अच्छा, काम भी नहीं हुए कुछ? अच्छा, कोई योजना मिली हो? जैसे मोदी सरकार में योजना बहुत चली। यहाँ तो प्रमुख ने तो करवा और न किसी ने कुछ नहीं करवा। तो अब की बार क्या होगा? वैसे अंदाजा क्या मान के चल रहे गाँव में? गाँव में ठीक है जी। कौन ज्यादा रहेगा वोट में? सही। नाम है जी आपका? नाम है जी धीरज सिंह। कौन से गांव के रहने वाले? मोहम्मदपुर राय सिंह। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है 2024 का। हाँ जी। तो गांव में चुनाव को कैसे देख रहे हैं आपके? चुनाव को तो जी यहाँ तो जी समाजवादी पार्टी का हरिंदर मलिक जी का जोड़ है कुछ। क्यों, ऐसा क्यों? अजीब कार्यकर्ता जो है, किसान की मजदूर के वाले ठाण वाले आदमी है। अच्छा। सदैव यहाँ तो 85 विधायक रह गए। जब इस गाँव में टंकी थी, टंकी कहीं थी इस गाँव में, तो उन्होंने विकास करे बहुत। अच्छा, संजीव बालियान जी रहे आपके 10 साल सांसद, क्या कोई विकास कार्य गांव में हुए? संजीव बालियान के यहाँ तो जी आया जी, बस मान लो कोई हम छोटा मोटा कोई काम करे, बस उसके याद में ठेका हट जा और उस काम को बंद करवा दे। जैसा मेरा टावर लगा था और संजीव बालियान जी का आदमी आया, संजीव जी बोल लगा ना जी उन्होंने टावर लगाया, मैंने तो इज्जत रहने की जो टावर लग गया, अब भगत पड़वा दिया, लगने दिया। ये काम है संजीव जी का, तो बदले भावना तक काम करें। तो इस वजह से नाराज हैं लोग? जी नाराज तो यहाँ बहुत लोग हैं। अच्छा। हाँ जी, उसकी व्यक्तिगत जो उसके आदमी है, जो दावत सावत देते हम किसी को दूसरे को, कहना तेरे भीत पड़वाऊंगा तभी हम उसके तो आदमी ऐसे थ्रेट दे। अच्छा। हाँ, जो संजीव, हाँ मतलब संजीव हरिंदर आ जाओ और मैं हरिंदर दावत कर दूँ, तो मैं उसके आदमी फिर थ्रेट दे, हमें कहना था मैं दावत दी सारा बस्ता बंद करेंगे भैया। अच्छा, तो अब की बार क्या होगा गाँव में? अजी हमारे गाँव तो लगभग मेरे हिसाब से जो है, मैं जब घूमने फिरने वाला आदमी हूँ, हरिजन लोग हैं, जो दूसरी बिरादरी के लोग हैं, सब हरिंदर को पसंद करते हैं। और बात और अगली भी बात बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसा हमारी मोदी जी गारंटी बतावे, पुलवामा में जो है कांड हुआ, आज लोग उसकी रिपोर्ट नहीं आई, अब क्या हुआ? दूसरा गांव में भी चार सांड गए इतने फिरे, 55 बीघे खेत लोगों ने बह दिए, इस तंग है रे। और बात तो इतनी, साक्षी मलिक की छाती पर जो है इस बीजेपी वालों ने जो है सिपाहियों पर पांव टिकवा था, वो भी इंटरनेशनल लड़की थी, उधर तो मोदी की बेटी थी, उधर बेटी की इज्जत खराब होने लगी, उधर इन्हें भाजपा को दिखती नहीं। उधर 662 लम्डे जो है हमारे किसान के, खासकर मैं कहूँगा जाट बिरादरी के, चौधरी अजीत सिंह ने आरक्षण दिया था और बीजेपी ने अतु ही वो आरक्षण खत्म कर दिया था, और 662 लम्डे हमारे पीओ थे वे सब कैट के बाहर गिरते थे। अच्छा। अजीत सिंह के मकान के सारे बसण भंडे बाहर फेंके थे, प्रधानमंत्री बन तुम और लीडर किसी के नहीं फेंके। अच्छा, जैसे आपने बात की अजीत सिंह वाली कही, तो जयंत चौधरी बीजेपी में गए हैं? अजी जयंत चौधरी को तो जो है प्रमाण पत्र दिखा दिया, मतलब जयंत चौधरी के दिमाग में यदि बात आई, अगर तू प्रमाण पत्र इस बात का तो लेने लग रहा है, बाबा को भारत रत्न दे दिया, भारत रत्न तो बड़ा है, वो तो हमारे दिल में भगवान है हमारा, भारत रत्न हमें कहाँ चाह रहा था, मैं तो जो उसके बाप की बेइज्जती करी थी, बसड़ फेंके थे, उसके बाप ने हमारा आरक्षण दुआ था, 662 लम्डे भाई लिखे थे, हमें तो आरक्षण चाहता सारी बिरादरी के लिए आरक्षण दुआया था, बीजेपी पर आज मौका था, तो बस मौजी मौज थी और 23 लम्डे गोली मरवाई थी, आज तक घर है युद्ध हो तब गोली लग रहा है, मतलब जट का तो वहाँ हरियाणा में जाट आरक्षण मांगा था, 23 लम्डो का बीजेपी ने गोली मरवाई थी सुद्धम सुद्धू मिलिट्री पे। तो नाराजगी ज्यादा? अजी नाराजगी तो इतनी आई, इतनी बस की बात नहीं मारे, अरे हम तो चाहे मिनट तक पहले, और मोदी सुन जैसे कर्म करागा ऐसे फड़ पाओगा, इनको पता लग जाएगा, हरियाणा साफ, पंजाब साफ, दिल्ली साफ, उत्तर प्रदेश में जो कुछ डब्बे कह रहे 400 यहाँ 30% नहीं आना। तो अब की बार गाँव में क्या होगा? अजी हमारे गाँव में 70% खिलाफ जाएगा, हमारा गाँव तो बच्चा है तैयार बच्चा। क्या नाम है जी आपका? राजवीर मलिक। कौन से गांव के रहने वाले? गांव हुआ मोहम्मदपुर राय सिंह बलावपुरा। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है 2024 का। हाँ जी, लोकसभा मुजफ्फरनगर में पड़ती है हमारी। हाँ, तो आपके चुनाव में कैसे देख रहे गांव में? चुनाव में गांव में देख रहे हैं जी, तीन कैंडिडेट हैं, तीन ही पार्टियों के हैं, अलग अलग, कुछ तो जातिवाद पर ले जाते हैं, कुछ विकास पर ले जाते हैं, कुछ कैंडिडेट को देखते हैं। एक कैंडिडेट हमारे क्षेत्र में विधायकी में आए थे, वैसे तो वो संसद में भी
लेकिन वो वहाँ से गए हरियाणा से राज्यसभा में ऐसे विधायक रहते हैं, उन्होंने वो काम किया कि आज एमपी एमएलए भी नहीं कर सकते उस टाइम पे। उनका नाम है शायद हरिंदर मलिक। अच्छा। हरिंदर मलिक जी ने वो काम किया कि एक ही योजना में गांव में सबसे पहले टेलीफोन एक्सचेंज और टंकी की गाँव में जिस जनपद में चार टंकी थी उनमें से एक मोहम्मदपुर राय सिंह और आपका ये क्या है सोलह के पास गाँव काकड़ा, इसे कहने का मतलब है हमारे गांव मोहम्मदपुर राय सिंह में उन्होंने अपना टाइम पे हॉस्पिटल मंजूर करा 8 बेड का, टंकी लगवाई, पीडब्ल्यूडी का घरों में लगवा दिया था 700 मीटर। अच्छा। और उनका सराहनीय काम रहा। अब मंत्री जी दो योजनाओं से चल रहे हैं, बहुत ही पार्टी के हिसाब से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से कोई काम जाता है उनको आप बैठ होती है, काम भी होता है। लेकिन सामूहिक रूप से जैसे मैं गांव में खेती कर रहा हूँ तो ऐसा विशेष स्थिति है। अभी बोर्ड जरूर लगे उनके कि अब मैंने कहीं से निजी से ला करके ये जो है करौदे से और भोरे कला तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़क बनवाई। अच्छा, आपकी बार क्या गांव में फिर बनेगा हिसाब, किसका ज्यादा बनेगा? गांव में जी दोनों है, हरिंदर मलिक की भी वोट है जी, उसकी भी है। हरिंदर मलिक का रुख का ज्यादा सुनने गांव में, खास तौर से यहां पर जातिवाद नहीं है जी, सही बात तो ये है कि भाई ये हिंदू मुस्लिम हुई थी यहां पर हमारे क्षेत्र में और उसमें तो बहुत ही 250 आदमियों के नाम जाते थे, 1100 थे उसमें, तो उसमें जो है भाजपा ने मदद की, कुछ जो नाजायज थे उनको उनके लिए मदद की है भाजपा सरकार ने, मंत्री जी भी उसमें लेते हैं। खास तौर से जो है हमारे विधायक रहे उमेश मलिक, उन्होंने काफ़ी सहायता की, फर्जी मुकदमों को ख़त्म करवा और अभी भी कुछ लटके हुए हैं तो थोड़ा सा यू भी आएगा तो फिर लटके रह जाए, सरकार भाजपा की है तो इसी को सपोर्ट कर लें। तो हरिंदर मलिक का रुख जाते हैं ज़्यादा दिन बोल रही हूँ। और जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुरु है, गांव मोहम्मदपुर राय सिंह है। अच्छा, जाट समाज से हो? हाँ जी। अच्छा, जाट समाज ज्यादा है गांव में? हाँ जी। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है 2024 का? हाँ जी। तो क्या मान के चल रहे आपके गांव में क्या होगा जी? हरिंदर मलिक की वोट ज्यादा है। क्यों? इसमें जी पार्टी में गया, एक तो मुलायम सिंह ने 32 महीने के बिल माफ कर दिए किसान यूनियन के। अच्छा। किसानों के बोनस दिया था जी, किसानों का गन्ना लिया और उस पर इकट्ठा खाद का दिया। अच्छा। बिजली पे कोई आरोप नहीं था, कोई कनेक्शन है जिसका वो बिल भरे ना भरे किसी का कनेक्शन नहीं कटा था। अच्छा। इस भाजपा सरकार ने लूट का बगाड़ दिया सारे। अच्छा, जैसे जैन चौधरी बीजेपी में पहुंचे हैं, कुछ फायदे वायदे होंगे किसानों को? नहीं, हम तो जस्टिनी बाजी भी बुलाई नहीं करे उसके लिए तक फायदा करते मुझे। अच्छा, न भूल करी जी आप मेरी वीडियो जैन चौधरी का बुझवाइए। जय चौधरी का इतना मैं 17 साल पहले पगड़ी पर बंदी थी, बरामद की थी गड्डी बहादुरपुर में, और फिर तो मैं खाप चौधरी से भी बांधने लग रहे, पर सबसे पहले जय चौधरी का मैं बंदी थी पगड़ी। अब हमारा किसानों का नेता है, किसानों तक किसी दिन पूछा अपने आप में यू विलय हो गया मासी। 17 है 13 महीने किसान गाजीपुर बॉर्डर पर लड़े, कोई सुनाई नहीं करी, एक भी सुनाई ऐसी नहीं करी बीजेपी सरकार ने, अगवा किसान की सुनाई करी। अच्छा, जैसे विरोध भी बहुत जताया जा रहा गांव में। हाँ जी। संजीव बालियान जी का? हाँ। 10 साल हो गए उन्हें? हाँ जी, 10 साल हो गए, कोई कार्य नहीं करे, कहीं भी एक रंग नहीं लगा। तो अब की बार क्या मूड बनना? अब की बात तो जो है जी हो जा, अब शायद कुछ बदलाव हो जाए। कौन? हरिंदर मलिक। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।